मथुरा गोवर्धन रोड जचौंदा बजरंग मंदिर के समीप जंगल में अज्ञात व्यक्ति ने सांड को जहर दिया, वहीं तड़प तड़प कर सांड ने दम तोड़ दिया। जब इसकी जानकारी राहगीरों को हुई तो सांड को जहर दे दिया तो राहगीर व्यक्ति ने गौरक्षक दल के विजय राघव को अवगत कराया। विजय राघव ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना की और पशु चिकित्सक डॉक्टर को अवगत कराया। वहीं पूरी टीम डॉक्टरों की मौजूदगी में पहुंच गई। वहीं काफी विचार विमर्श करके सांड का शव मर्चुरी के लिए भिजवाया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति सांड को जहर देकर खिलाकर भाग गया है। क्या नाम आपका? विजय राघव। क्या मामला है आपका? ये मामला एक गांव जचौंदा की घटना है। आए दिन बाजारों को कुछ ना कुछ सामान खिलाया जा रहा था। इसकी सूचना हम कई बार CBO साहब को भी दे चुके हैं कि हमारे यहाँ अचानक बाजार खत्म होता है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आज करीब 2 बजे की घटना है। बच्चे यहाँ पर फ्रेश होने के लिए आए थे एक गांव जचौंदा के समीप ही एक भट्टे में, तो इसमें बच्चों ने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति जो टोपी लगाए हुए है वो इसको गुड़ में कुछ खिला के गया है। तो जैसे ही वो बाजार के पास आए, बाजार गिर गया, तो उन बच्चों ने देखा कि गुड़ में कुछ एक आइटम मिला हुआ है, उसको हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं। उन बच्चों ने हल्ला मचाया और हल्ला मचाने के बाद मुझको फोन किया, हमने आकर देखा तो बाजार थोड़ी देर तड़पा और उसके बाद ऑन स्पॉट पर उसने प्राण त्याग दिए हैं। प्रशासन को इससे खबर किया आपने? हाँ, मैंने 100 नंबर पे भी कॉल किया है, इंस्पेक्टर साहब को व्यक्तिगत कॉल करके इस चीज के बारे में अवगत कराया है इस बात को लेकर। जी, अब इसको वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है? हाँ, अभी मैंने बात भी हुई है भाई हमारी, और पुलिस को भी बोल दिया गया, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम हुआ होगा।